हाय किड्स हाउ आर यू ऑल माय नेम इज रदा हालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू अनदर लेसन ऑफ ओपीई स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मिलकर इंग्लिश को स्टडी करते हैं और आई होप कि आपने जितने भी इंग्लिश के लेसंस अभी तक देख लिए हैं उन सबको अच्छी तरह से समझ भी लिया है और सारे टास्क को कंप्लीट भी कर लिया है आई एम वेरी हैप्पी विद यू स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 की यह वीडियो लेक्चर होगा यूनिट नंबर 7 जिसका नाम सर्चिंग है उसके लेसन नंबर 1 की तरफ आज हम बढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर वन की तरफ जिसका नाम है फोर्स सर्च जी बिल्कुल ये जो वर्ड मैंने बोला है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया तो इस वर्ड को समझाने के लिए और इस पूरी रीडिंग की एक्टिविटी को करने के लिए आज मिस सुधा आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हैं लेसन नंबर वन तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं सो ग्रेट सिक्स आई यू रेडी फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या आप सब तैयार हैं हम जो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं वेल डन मुझे लगा ही था कि आप सब मेरी तरह बहुत एक्साइटेड हैं आज तो बच्चों आज हमने जो यूनिट यूनिट स्टार्ट करना है उस का नाम है यूनिट नंबर सेवन यूनिट नंबर सेवन का टॉपिक यानी जो टाइटल है वो है सर्चिंग आप सब जानते हैं सर्च का वर्ड जो है मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ सर्च का जो वर्ड है ये हमारी एक वर्ब है ठीक है ये एक एक्शन है सर्च का मतलब है ढूंढना और आई और ing जो साथ नंबर फाइव में हमने स्टडी किया था कि ये जो आई है ये एक पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की और पास कॉन्टिन्यूस की क्या है एक पार्टिसिपल है जिसको हम वर्ब के साथ लगाते हैं जो

बिल्कुल टाइटल से हमें यह पता चल रहा है कि कोई इस स्टोरी के अंदर कुछ ढूंढ रहा है तो यानी कि पूरा यूनिट किस बारे में होगा सर्चिंग के बारे में यानी किस तरह से ढूंढने के अमल को किया जाता है कौन से ऐसी वर्ब्स हैं और कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम यूज करते हैं अपनी राइटिंग में किससे रिलेटेड Searching से रिलेटेड तो आज का ये जो पूरा टॉपिक है ये किस बारे में है वोकेबलरी के बारे में ऑल राइट right. तो स्टूडेंट्स लेसन नंबर वन हमारा है फिक्शन ठीक है एक स्टोरी है जिसका नाम है फोर्स सर्च अब आपने जो नाम यहाँ पढ़ा है दैट इज एम पी एच ओ एन अपोस्ट्रोफी एस अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो ये एम है इसकी साउंड आपने लेनी है अपने नोज में ठीक है जैसे हम अपना मुंह बंद करके लिप्स को जोड़ के की साउंड निकालते हैं दैट इज और फो जो पी एच है हमें पता है जो पी एच है ये हमें एफ की साउंड देता है ठीक है और ओ जो है एज इट इज ओ ही रहेगा तो जो एम की साउंड है ये हमने एम ही पढ़ना है पर साइलेंट एम होगा एम एफ एंड ओ so हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे न फो न फो ठीक है तो ये बात आपने याद रखनी है तो जो ये फो है ये बेसिकली एक बच्चे का नाम है

जो आपकी बुक की स्टोरी के बाद में दिए गए हैं ठीक है वो सारी वो कैबलरी रिलेटेड है हमारी जो वर्ब है सर्च से रिलेटेड यानी ढूंढने से रिलेटेड लेकिन जो ये वर्ड्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं ये वो वर्ड्स हैं बच्चों जो हमने अपनी इस स्टोरी के अंदर पढ़े तो हैं। लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमें बहुत मुश्किल लग रहे हैं प्रोनाउंस करने में और कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमें क्या समझ में नहीं आ रहा कि उनको हमने बोलना कैसे है उनका मीनिंग क्या है और टेक्स्ट के अंदर, अंदर, अंदर उसका क्या मतलब बन रहा है इसीलिए मैंने वो वर्ड यहाँ पर लिख दिए हैं ठीक है अब इन वर्ड्स को हम बारी बारी स्टडी कर लेते हैं पहला वर्ड है शांति डाउन इन वर्ड्स को मैं ब्रेक डाउन करती हूँ साउंड एंटी ठीक है शांति टाउन अ लार्ज टाउन सिटी विदहांस आपने देखा है कि जब हमारी सिटी होती है ना जो शहर होता है शहर के अंदर कैसे घर होते हैं Exactly, शहर के अंदर बिल्डिंग्स होती हैं, सीमेंटेड हाउसेस होते हैं ठीक है ना तो ऐसा एक एरिया जो शहर से दूर है थोड़ा सा ठीक है जहां पर आपकी सोसाइटीज वगैरह होती हैं, उनसे दूर जो कोई इलाका है और ऐसा एरिया जो बहुत बड़ा टाउन है और उसके अंदर सिर्फ क्या है

यानी कच्चे इलाके छोटे इलाके जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है प्रॉपर घर नहीं होते तो शांति टाउन का आपने इमेज अपने जहन में इसलिए रखना है मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन किया बच्चों क्योंकि ये पूरी स्टोरी एक शांति टाउन के अंदर है ठीक है ऑल राइट नंबर टू एफ्रीकनर इसको इसी तरह पढ़ते हैं एफ्रिकनर ठीक है एफ्रिकनर यानी एफ्रिकन ये वर्ड जो है हमें पता है अफ्रीका के रहने वाले लोगों को एफ्रीक कहा जाता है लेकिन उसको लिखने के दो तरीके हैं उसको इस स्पेलिंग्स के साथ भी लिखा जाता है तो आपकी बुक में ये स्पेलिंग्स यूज हुए थे मैंने उसका मीनिंग आपको बता दिया कि ये Africans को कहा जा रहा है ओके नंबर थ्री टर्मिनस ये आपने एक वर्ड सुना होगा बस टर्मिनल बस अड्डा जहां पे बसेस खड़ी हुई होती है सारी है ना हम जाते हैं टिकट लेते हैं बस में बैठते हैं हम चले जाते हैं दूसरी शहर में दूसरी सिटी में दूसरी कंट्री में अगर यहाँ जहां भी आपने ट्रेवल करना है ठीक है ना तो टर्मिनस कहते हैं टर्मिनस, ओके? टर्मिनस कहते हैं बस टर्मिनल को ऐसा इलाका ऐसी जगह जहां बहुत सारी बसेस हर साइज की छोटी बड़ी सब बसेस खड़ी हुई होती हैं, ठीक है ओके टार्ड, यानी कवर्ड विद टार क्या होता है टार कहते हैं थिक फ्लुइड को यानी बहुत थिक फ्लू ऐसा फ्लूड कहते हैं जो कहां पर था इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कौन सा टार की बात हो रही है जो रोड के ऊपर फैल जाता है ठीक है एक ऐसा थिक फ्लू जो कहा है रोड्स के ऊपर थिक थिक फ्लूड ऑन द रोड ऑल राइट मूविंग ऑन एड एडवर्टीजमेंट कहते हैं अ नोटिस और पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर प्रमोशन प्रमोशन कहते हैं किसी चीज को प्रमोट करना आगे बढ़ाना ठीक है प्रमोशन को अगर मैं लिख के आगे बढ़ाना ठीक है तो ऐसा एक अमल जिसकी वजह से कोई चीज आगे बढ़ रही है अगले स्टेप में जा रही है ठीक है यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रही है उसको कहते हैं प्रोमोशन बेहतरी की तरफ जाना ठीक है तो एक ऐसी पब्लिक अनाउंसमेंट जो प्रमोशन के लिए की जाए या कोई ऐसा नोटिस आपने टीवी पे एड्स देखे हैं ना ये एड्स भी एडवर्टीजमेंट ही होते हैं क्यों क्योंकि वो किसको प्रमोट कर रहे हैं हमारे बिस्किट को हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एग्जैक्टली exactly, तो उनको एड्स कहा जाता है इवन आप वीडियो से पहले YouTube के अंदर भी एड्स देखते हैं ना स्किप एड एग्जैक्टली तो वो जो एड है ना वो एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है एडी ठीक है एडी का वर्ड यूज किया जाता है शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रेक्शन यूज की जाती है अच्छा नंबर सिक्स मीलीस कॉर्न ऑप प्लांट और प्लांट यानी के कॉर्न क्या कहते हैं सिट्टा कॉर्न होता है ना सिट्टे का जो दरख्त या उसका पौधा होता है उसको कहते हैं मेलीस और ये मेलीस जो होते हैं ये दरख्त नहीं होते ये छोटे छोटे पौधे होते हैं और इनका पूरा एक पूरा फील्ड होता है जिसके अंदर ये सारे उगाए जाते हैं ठीक है ये आपको आई होप यहां तक की बात समझ आ गई होगी आइए कुछ और वोकैबुलरी के वर्ड्स को देखते हैं All right. so, the next word is खयास, ख, जो ये वर्ड है ठीक -E है, है आपने गले से आवाज निकालनी है ठीक है In fact, आप ए को भी साथ शामिल करें इयास ठीक हो गया तो so, आपने याद रखना है जो आवाज निकलेगी वो है खयास खयास क्या है जी अ वेरी पुअर प्लेस टू लिव और स्लम्स जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था शांति टाउन के अंदर जो जगह है ना जहाँ पे लोग रहते हैं उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको कहते हैं खायास। खायास का वर्ड दिया गया है आपकी स्टोरी के अंदर ठीक है ओके okay जी नेक्स्ट वन इज कोरोगेटेड को रोगेटेड राइट ये हमें समझ आ गई कोरोगेटेड कोरोगेटेड क्या होती है रफली फोल्डेड पैरल आयरन शीत Corrugated iron क्या है जी रफली फोल्डेड पैरल आयरन शीट आपने देखा होगा की बहुत सारी मार्केट की जो सीलिंग होती है वो कैसी होती है, Something like that. Ceiling अगर ऐसे है तो सीलिंग के ऊपर जो ये छत लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं लोहे की या आयरन की जो एक प्लेट होती है उसके अंदर आपको ऐसा नजर आएगा कुछ वेवी सा स्ट्रक्चर आपको ये वेवी स्ट्रक्चर ये बता रहा है

जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें जो स्टोरी आपको मैंने बताई है, students, so कि आपने इस को पढ़ लिया है अब क्या करना है अब जो पेज 148 और 149 पे जितने भी के वर्ड्स दिए गए हैं मैंने उनको यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग क्या है हमने क्या बात की थी कि ये आज की वोकेब्लरी के सारे वर्ड्स जो हमारी बुक में दिए हुए हैं ये सब रिलेटेड होंगे सर्च की वर्ब से यानी ढूंढने से तो ढूंढने की वर्ब को यानी सर्च के एक्शन को बहुत तरह से लिखा जाता है ठीक है वो कितने तरीके है? four ways हैं फोर वेज है आपकी बुक में इन फोर वोकेब्लरी की एग्जाम्पल्स के साथ इसकी एग्जाम्पल्स भी दी गई है ठीक है इन एग्जाम्पल्स की आगे से एग्जाम्पल्स है अब आपने क्या करना है वीडियो को पॉज करने के बाद आपने बारी बारी इन फोर वोकैबलरी के वर्ड्स को और इनकी दी गई एग्जाम्पल्स को जल्दी से पढ़ के वापस के पास आ जाए well अब आपको समझ में आ गया क्या होता है ये कौन सी वोकैबलरी यूज की गई है अब मैं आपको एक दफा रिवाइज कर देती हूँ फ्रेजल वर्ब ये ऐसी है कहाँ यूज होती है जहां पर आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो घूम गई है आपको नहीं पता वो कहाँ है ठीक है so, तो ऐसी चीज जो गुम जाए आपकी नजर से ओझल हो जाए तो आप कहते हैं कि यू आर लुकिंग फॉर दैट पीस और यू आर लुकिंग फॉर दैट प्रॉपर्टी और एनी थिंग ठीक है उसके अलावा टू सर्च फॉर टू सर्च फॉर की फ्रेजल वर्ब तब यूज की जाती है जब हमें किसी चीज के बारे में बिल्कुल इम नहीं है कि वो क्या है ठीक है चीज है नाम है बिल्कुल हमारे जहन में उसका कोई इमेज नहीं है तो हम कहते हैं ऐसी चीज को हम सर्च करने निकल जाते हैं ठीक है टू सर्च फॉर विजडम आपको पता है विजडम या नॉलेज नॉलेज किस कलर का होता है क्या शेप होती है नहीं पता है ना तो इसी तरह की चीज को जब ढूंढने हमने है तो उसको कहते हैं सर्च ठीक है टू सर्च सर्च की वर्ब यूज होती है टू लूज अनेबल टू फाइंड समथिंग आपने एक चीज गुमा दी मिल नहीं रही गुमी हुई चीज को ढूंढने जाएंगे तो यू विल लुक फॉर इट फिर टू फाइंड समथिंग टू डिस्कवर समथिंग कुछ डिस्कवर करने के लिए आप सर्च करेंगे ठीक है इसको इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं हम ठीक है लूज वाली चीज को हमने क्या करना है लुक करना है और करना है चीज को अगर तो हम उसके लिए सर्च की वर्ब यूज करेंगे यहाँ तक की बात कुछ समझ आई एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया आपको वेल डन स्टूडेंट्स यहाँ तक की वोबलरी हमने आज कर ली डिस्कस अब जो अगला सवाल है वो है कॉम्प्रीहेंशन का अब हम करने जा रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स।

स्टार्टेड टू फॉलो दम अक्रॉस द पाथ और पैथवे अक्रॉस दीक है यहां तक एक आंसर मैंने आपको क्या किया सिंपली दे दिया आपने क्या करना है इस आंसर में डिटेल एड करनी है अगर आप खुद से करना चाहते हैं आप ये लिख सकते हैं ही स्टार्टेड टू फॉलो देम अक्रॉस द पैथवे

क्वेश्चन नंबर टू है व्हाई डिड फोन नॉट माइंड दैट देयर वाज नो स्ट्रीट लाइट एट ऑल फोन ने ये बात क्यों माइंड नहीं की कि उसके पास कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी जहां से वो गुजर रहा था और जिस इलाके में जा रहा था यस बिकॉज ही वाज यूज्ड टू हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज ही वाज यूज्ड टू लिव विदउट लाइट यानी वो उसके घर में भी लाइट नहीं थी तो उसको आदत थी वो अपने घर में क्या करता था उसके घर में भी लाइट नहीं थी तो ही वॉज यूज टू लिविंग इन दैट पोजिशन बिकॉज ही वॉज यूज टू लिव विदाउट लाइट इन हिज हाउस ओके उसके घर में भी क्या थी लाइट नहीं थी वट वॉज इन दफ द ब्रेक हाउसेस वो जो ब्रिक हाउसेस उसने देखे थे ना अपने रास्ते में शेन्टी टाउन को जाते हुए जो तो रास्ते में उसने देखे थे जो इंटो से घर बने हुए थे ब्रिक हाउसेस उनमें के यार्ड्स में क्या देखा उसने यस दे वर वेरी लिटिल ग्रोइंग ही सॉ दैट देयर वर वेरी लिटिल ग्रोइंग्स ठीक है बहुत कम क्या थी वहां पे कोई सब्जी या कोई ऐसा ग्रीनरी बहुत कम थी एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स ऑफ मीलीज वही हमारे कॉर्न में इसके क्या थे पौधे ऑल राइट क्वेश्चन नंबर फोर वट हाउसेस ऑफ पुअर पीपल मेड ऑफ जो खयास थे वो किन चीजों से बने हुए थे मैंने आपको वो में भी ये वर्ड बताया दे वो मेड आउट ऑफ कॉरोगेटेड आयरन शीट एंड ब्लैक प्लास्टिक पेपर ठीक है ब्लैक जो हमारा पॉलिथिन पेपर होता है उसके साथ एंड द कॉरोगेटेड शीट सो दे वर मेड आउट ऑफ कॉरोगेटेड आयरन एंड ब्लैक प्लास्टिक पेपर और प्लास्टिक बैग्स ठीक है ओके okay. यहां तक का आंसर हमने बिल्कुल लिख लिया क्वेश्चन नंबर फाइव डिसाइडेड टू टू स्पीक ओल्ड ओल्ड वो उस से उसने बात करना क्यों स्टार्ट किया था एग्जैक्टली बिकॉज ही सॉट बिकॉज दी और ओल्ड वूमेन लुक्ड लाइक like हिज वो जो ओल्ड लेडी थी वो उसकी किसकी तरह लगती थी कि इसलिए वो आगे बढ़ के फो ने उससे बात की क्वेश्चन नंबर डिड फो लर्न फ्रॉम द पीपल इन द वॉटर क्यू पानी लेने के लिए जब वो एक क्यू में लगा हुआ था तो उसने लोगों से क्या सीखा यस ही लर्न टू Stay happy and grateful even if you don't have much to survive. Okay? यानी yani, अगर आपके पास जिंदगी में सरवाइव करने के लिए या जिंदगी गुजारने के लिए कुछ चीजें नहीं भी हैं तो भी इंसान को खुश रहना चाहिए और शुक्रगुजार रहना चाहिए तो ये था हमारी इस स्टोरी का एक छोटा सा मैसेज और यही बात हमारे जो बच्चा है फोन है यही बात हमारे उस बच्चे ने भी सीख ली ठीक है यहाँ तक हमारे वोकेबलरी के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए आगे बढ़ते हैं एक और एक्टिविटी की तरफ ओके तो अब हमने क्या करना है बच्चों

अगली एक्टिविटी है बिग एंड वेरी बिग अगेन ये भी वोकैबुलरी की ही एक बात है आप मुझे एक बात बताएं एक जो वर्ड है बिग ये एक एडजेक्टिव है इसका मतलब क्या है वेरी गुड इसका मतलब है बड़ा अब एक और वर्ड है वेरी बिग ये क्या होता है यस इट इज अगेन एन एडजेक्टिव ये भी एक एडजेक्टिव ही है और इसका मतलब है बहुत बड़ा वेरी बिग ठीक है अब आपने क्या करना है ये दो इंस्ट्रक्शंस को लेके हमने सॉल्व करना है जो क्या होंगी इसी के दो वर्ड से रिलेटेड ओके फाइंड द वर्ड्स इन पैराग्राफ थ्री पैराग्राफ नंबर थ्री में तीन ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनका मतलब क्या है बिग आपने क्या करना है पैराग्राफ थ्री को जल्दी से रीड करके आना है जब तक आप रीड करते हैं मैं तब तक यहाँ पे वो तीन वर्ड्स लिख भी देती हूँ हाँ जी रीड कर लिया आपने पैराग्राफ थ्री वेल डन तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है देखने हैं पैराग्राफ थ्री में से ये तीन वर्ड्स मिल गए आपको भी वेरी गुड यही तीन लव्स हैं जिनका मतलब है बिग एक बिग को मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि हमारे उस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ था बिग ग्रेट एंड लार्ज ठीक है ये वर्ड हमारे पैराग्राफ थ्री में यूज किए गए हैं जिनका मतलब है बिग यानी वेरी बिग

डायसोर चलो जी अगर मैंने लिख दिया तो ये हमारा एक एडजेक्टिव नाउन बन गया एडजेक्टिव के साथ लगा के हमने नाउन बना दिया ठीक है जी वास्ट ए वास्ट रेंज ऑफ कलरफुल फ्लावर्स ओके okay, जी नॉर्मस बहुत बड़ा जाइंट एन अब ई है स्टार्ट में वोवल साउंड है फर्स्ट में तो हम एन लगाएंगे एन एनॉर्मस किसी एनिमल का नाम लिख सकते हैं आप आप लिख सकते हैं एन ए एलिफेंट ओके ग्रेट अ ग्रेट स्पीच ठीक है नाउन बनाने हैं ना हमने जाइगेंटिक जाइगेंटिक रोर किसकी रोर कौन करता है वेरी गुड इट्स अ लाइन रोड जब शेर बहुत तेजी से आवाज निकालता है उसको कहते हैं रोर मैसिव अ मैसिव क्राउड हां जी यहां तक की बात सबको समझ आ गई यानी हमने इन्हीं एब्जेक्टिव को लेते हुए क्या बना दिए नाउन फ्रेजेस कैसे एक एडजेक्टिव लगाया एक आर्टिकल लगाया और बना दिया एक्सरसाइज बच्चों की बच्चो रिलेटेड हमने कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व की और हमने बहुत सारी वोबरी को स्टडी किया आई होप स्टूडेंट्स ऑफ दिस लेसन आप इस वीडियो लेसन के एंड पे वो सारे टास्क कंप्लीट करेंगे जो रदा ने आपको आज करवाए हैं अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे लेसन नंबर टू के साथ जब हम करेंगे एक और मजेदार एक्सरसाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेसन मिलते हैं अगले लेसन में तब तक के लिए खुश रहें अपने काम कंप्लीट करते रहे अल्लाह हाफिज